कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी कॉरिडोर का उद्घाटन किया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी खुद गए थे। काशी कॉरिडोर के बाद मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर का विकास किया जा रहा है और हम अभी उसी जगह पर खड़े हैं जहां पर महाकाल कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। हमारे ठीक पीछे भगवान शिव की प्रतिमाएं हैं। तो 900 मीटर लंबे महाकाल कॉरिडोर की शुरुआत जो है उस तरफ से होगी सीधे, मतलब अब जो यहां पर भक्त दर्शन करने आएंगे इसके बनने के बाद वो इसी रास्ते के जरिए उन्हें मंदिर में प्रवेश मिलेगी और प्रवेश द्वार जहां से शुरुआत हो रही है प्रवेश द्वार की, वहाँ से लेकर मंदिर तक पहुंचने के बीच में करीब 200 भगवान शिव की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। यानी पूरी तरीके से आप भक्तिमय वातावरण में मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे। इसके बाद ठीक इस तरफ जो लेन है कॉरिडोर का, एक तरफ भगवान शिव की प्रतिमाएं हैं और दूसरी तरफ जो है भव्य पिलर बनाए गए हैं। पिलर हैं, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। इसके ठीक बगल में यहाँ पर जो गेस्ट हाउस और मंदिर में जो पूजा पूजन सामग्री और बाकी जो दुकानें होती हैं उसको इस बिल्डिंग में रखा जाएगा। तो करीब 900 मीटर लंबे महाकाल कॉरिडोर का भव्य तरीके से निर्माण करवाया जा रहा है। इसका कुछ काम जो है पूरा हो गया है और कयास लगाए जा रहे हैं कि करीब जो 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव जो होने वाले हैं उस चुनाव से पहले इस कॉरिडोर का उद्घाटन कर दिया जाएगा। काम में काफ़ी तेज़ी है और काफ़ी भव्य तरीके से इसको बनाया जा रहा है। जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन हो रहा था तब सीएम शिवराज सिंह चौहान यहां पर आए थे और उन्होंने यहां जो कार्य चल रहे हैं उसको देखा था और काम में तेज़ी लाने के निर्देश दिए थे। इसके अलावे जो मंदिर के आसपास के क्षेत्र हैं, जो बगल में ये सब आपको तालाब दिख रहे हैं, उनको भी विकसित किया जाएगा ताकि जो बाहर से जो श्रद्धालु आएँ, जो महाकाल के भक्त आएँ, उनका मतलब भव्य तरीके से मंदिर का लुक देखें। चूँकि जहाँ से एंट्री गेट है आप वहाँ देख सकते हैं कि कितने भव्य तरीके से एंट्री गेट को भी बनाया जा रहा है और पूरे भक्तिमय वातावरण में यहाँ पर आएंगे और हर दिन कुछ अलग अलग कार्यक्रम होंगे और बिल्कुल भव्य तरीके से यहाँ कई ऐसे भगवान शिव के स्टैचू बनाए गए हैं। इसके अलावे दूसरे अन्य जो भगवान हैं उनको भी इस कॉरिडोर में जगह दी गई है। तो और अभी तक जो एंट्री होती थी महाकाल के मंदिर के अंदर, तो वहाँ काफ़ी जो रास्ता था काफ़ी संकीर्ण था और लगातार यहाँ भक्तों की संख्या भी काफ़ी बढ़ रही है, इसीलिए इसको विकसित करने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही मंदिर के जो दूसरे हिस्से हैं वहाँ खनन का भी कार्य चल रहा है। तो तमाम चीज़ों की मॉनिटरिंग खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान करते हैं और लगातार उज्जैन में जो जिला प्रशासन है वो भी लगातार इन चीज़ों को देख रही है ताकि इसको भव्य रूप दिया जा सके और 2023 के विधानसभा चुनाव में इसको भुनाने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि हिंदू बाहुल इलाकों में जो महाकाल कॉरिडोर के बनने के बाद कई सीटों, खासकर मालवा अंचल के जो सीटें हैं उन पर बहुत बड़ा असर होगा। तो सरकार की तरफ से यह कोशिश है कि इसे 2023 से के चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले जिस तरीके से यूपी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ, ठीक उसी तरीके से मध्य प्रदेश में भी महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन कर दिया जाएगा। उज्जैन से नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए मुनेश्वर कुमार।